हेलो। हेलो, मैं बजाज फाइनेंस से बोल रहा हूँ। आपको लोन चाहिए क्या? लोन? हाँ चाहिए ना, कितना लोन चाहिए मैम आपको? मुझे 2 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, हो जाएगा मैम। आप एक काम करिए, एक पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और बैंक पासबुक की फोटो भेज दीजिए। ठीक है, मैं आपको सारी डिटेल्स भेजती हूँ, आप ही बता देंगे कैसे भेजना है। इसी नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए। अच्छा ओके। हेलो, हाँ जी मैंने आपको डिटेल्स भेज दिए थे। हाँ हाँ, मिल गए थे। आपकी वेरिफिकेशन हो गई है। आपको 2150 रुपये का खर्चा लगेगा जो जमा कराना होगा। अच्छा ठीक है, कहाँ पर करना है? ओके इसी नंबर पे फोन पे, गूगल पे या पेटीएम कर दीजिए। ठीक है, मैं करती हूँ। हेलो सर, मैंने आपको पैसे भेज दिए थे, लोन कब तक हो जाएगा? मैम, आपका लोन कंफर्म नहीं हुआ है। एक और चार्ज देना पड़ेगा आपको, 5,000 का। एक और चार्ज देना होगा? हाँ जी, अगर आप जमा नहीं कराएंगे तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा और जो पैसा आपने दिया है वो भी रिफंड नहीं होगा। नहीं, आप कैंसिल मत करिए, मैं आपको भेजती हूँ। ठीक है मैम। ओके। हेलो सर, मैंने आपको 5,000 भेज दिए थे, अब कब तक हो जाएगा लोन? मैम, आपके लोन में प्रॉब्लम आ गई है। क्या? कैसी प्रॉब्लम? आपको 20,000 जमा कराना होगा जो आपके लोन में ऐड होके आ जाएगा। मैं आपको पहले 7,000 दे चुकी हूँ, अब 20,000 मैं नहीं दे पाऊंगी। नहीं दोगे तो मैम आपका लोन भी नहीं होगा और ना ही आपको आपके पैसे रिफंड मिलेंगे। कैसी बातें कर रहे हो आप, मैं आपकी पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। देखिए मैम, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती और ये 20,000 आपको 2 लाख के साथ ही वापस मिल जाएंगे। ओके मैं भेजती हूँ। हेलो सर, मैंने बाकी चार्जेस भी भेज दिए थे, मेरा लोन कब तक हो जाएगा अब? नहीं मैम, आपका लोन नहीं हुआ, आपका लोन रिजेक्ट हो गया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपने मुझसे इतने पैसे भी ले लिए और अब कह रहे हो कि लोन नहीं मिलेगा? जी मैम, आपके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोन हो जाए तो मैं जुगाड़ कर सकता हूँ। जुगाड़? कैसे? 50,000 लगेंगे। मैं पुलिस स्टेशन आपकी कंप्लेंट करने जा रही हूँ, मुझे नहीं चाहिए आपका कोई भी लोन, आप मुझे पैसे वापस कर दो प्लीज। मैम वो तो हमने पहले ही बोला था कि पैसे रिफंड नहीं होंगे। देखिए आप ऐसे मत करिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, ये मेरी फीस के पैसे थे, आप प्लीज मुझे मेरे पैसे दे दीजिए। मैम लोन करवा तो रहा हूँ, 50,000 लगेंगे। मेरे पास अब 1 भी रुपए नहीं है, जो भी थे मैंने आपको सब दे दिया, मुझे कोई भी लोन नहीं चाहिए, आप बस मेरे पैसे वापस दे दो प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, दे दो। हेलो 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 तो दोस्तों, ये जो स्टोरी हमने बनाई है ना, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है। ये लोगों को ऐसे ही फोन करके चूना लगाते हैं और उनमें से ये मेरे साथ काम करते हैं, हमारे लिए खाना बनाते हैं। सेम स्टोरी इनके साथ भी हुआ था, जैसे कैसे कैसे पैसे लूटे। पहले मुझे लोन का ऑफर दिया तो बोले कि 1,850 रुपये लगेंगे आपको लोन की अप्रूव करने के लिए। फिर मैंने अप्रूव करने के लिए 1,850 रुपये दिए। फिर उन्होंने बोला कि मैं आपको DD बनवा के अमाउंट ट्रांसफ़र करवाता हूँ। कैसे कैसे? फ़ोन पे? फ़ोन पे या गूगल पे चलाते हो? तो उन्होंने बोला, मैंने बोला फ़ोन पे गूगल पे तो नहीं चलाता हूँ, पर आप बैंक में लोगे या फ़ोन पे कर दो? मैंने कहा नहीं, बैंक डिटेल भेजो। फिर बैंक डिटेल उन्होंने फ्रॉड वाली दे रखी थी, उसने बैंक डिटेल में भी उन्होंने मंगवा लिए। और उसके बाद फिर जब मैंने भेज दिए 1,850, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को अमाउंट ट्रांसफ़र करने का टाइम दो 5 मिनट का। उन्होंने टाइम दिया 5 मिनट का। उसके बाद उन्होंने ये लेके फिर बोले कि वो नहीं हुआ ट्रांसफ़र किसी कारण, आपका लोन इतना बड़ा अमाउंट था जो GST IGST वगैरह लगेगा उसके कारण रह गया है, आपको 9,680 रुपये और देने होंगे। मैंने बोला सर मेरे पास तो है नहीं, अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से लाऊँगा, मैंने लोन चाहिए था, इस वजह से आपने जो दिया तो मैंने दिए। नहीं कहें सर, ये मुझे आपको ट्रांसफ़र करना होगा तभी आपका अमाउंट मैं ट्रांसफ़र कर पाऊँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने दिए 6,980, बोले कि आपका 80 रुपये का नुकसान होगा उसमें। 6,080 या 9,000? 9,680। ओके। उसके बाद में बोले कि आपको 80 रुपये का नुकसान होगा और आपको 9,600 रुपये मिल जाएंगे उसके साथ, 5 लाख के साथ मिल जाएंगे। अच्छा, ऐड करके। फिर जब ये डाल दिया, फिर ये बोलते हैं कि नहीं आपका अमाउंट बड़ा था तो उसके कारण जो दूसरे स्टेट में जाता है
वो ट्रांसफ़र नहीं होने के कारण आपको 20,000 रुपये और देने होंगे। फिर मेरे से 20,000 रुपये दो बार कर करके 10,000 और ले लिए, 30 मैंने दे दिया टोटल। फिर उसके बाद भी बोलते हैं कि अब आपको 1 रुपये नहीं डालना था, आप अमाउंट 3 बार में कर दिया, आपको 2 बार में डालने थे 10,000 करके। फिर मुझसे दोबारा और मांगने लगे कि 20,000 और लगेंगे एक साथ, फिर मैंने 20,000 नहीं दिए। टोटल कितने ले लिए थे? टोटल मेरे से 33,300 कुछ रुपये लिए थे। और कितना लोन दे रहे थे? 5 लाख का। ये है ना बिल्कुल सच्ची कहानी यार भाई। ये वो जिनको पता ही नहीं है क्या होता है क्या नहीं होता, कॉल करते हैं और लगभग किसी ना किसी को पैसों की जरूरत होती है, हर किसी को पैसे की जरूरत होती है और वो इस चीज़ का फायदा उठाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कॉल आए कि आपको लोन चाहिए नहीं चाहिए, पहली बात तो कोई भी लोन देता है तो आपसे कुछ भी नहीं लेता, पैसे लेते ही नहीं है कोई भी कंपनी, वो आपको देता है। तो इन फ्रॉड से बचे और ऐसे कॉलों को इग्नोर करें और ये उसकी सीधी कंप्लेंट करें पुलिस में, तो सावधान रहे और अपना नुकसान होने से बचाए।